दोस्तों, रोज की लाइफ में आने वाली बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका समाधान कभी कभी हमें नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कुछ वीडियोस को देखें, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो आपको इनका समाधान मिल जाता है। साथ ही आपकी इससे समय की बचत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और ये टिप्स मनी सेविंग भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टिप है हमारी एक साथ रोटियां बनाने को लेकर। साथ ही सर्दी के दिन में जब आपने देखा है कि कभी कभी गर्मा गर्म सब्जी होती है, उससे हमें कभी कभी कुछ मोटी कुरकुरी रोटियां बनानी होती हैं, ऐसे टाइम पर आप क्या करें? तो आपको करना यह है कि आपको पहले छोटी छोटी साइज की रोटियों को बेल कर रख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ, रोटियों की साइज थोड़ी सी छोटी रखिए। और इस बार रोटी बनाने के लिए हम तवे का नहीं बल्कि लोहे की कड़ाही का यूज करेंगे। रोटियों में बहुत ही हल्का हल्का सा पानी लगाइए और गर्म कड़ाही में इस तरीके से इनको डाल दीजिए। अब इसको क्या करना है, आपको फ्लेम को मीडियम रखना है। ध्यान रखना है फ्लेम का बहुत तेज नहीं रखना है, क्योंकि कड़ाही जो है तवे से थोड़ी पतली होती है तो ये फटाफट से नीचे से रोटियां जल सकती हैं। इसके बाद से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे रोटियां खुद ब खुद तली को छोड़ने लगती हैं। इसके बाद से आप इनको पलट दीजिए। पलटने के बाद ये जैसे हम लोग रोटी सेकते हैं वैसे ही आपको ये काम करना है। उसके बाद से 1 से 2 मिनट में रोटियां सारी बढ़िया से सिक जाती हैं। आप चाहें तो इस टाइम पर कड़ाही में ही रोटियों को उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन कर सकते हैं। और आप इसमें नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है रोटियां कच्ची रह जा रही हैं, तो गैस पर कर सकते हैं। वैसे गैस पर सेकना बहुत ज्यादा सही नहीं होता है हर समय, लेकिन फिर भी कभी कभी रोटियों को हम सेकते ही हैं इस तरह से गैस के बर्नर पर। रोटियों को इस तरह से लाल करारा सेकते हैं और उसके बाद से इन पर आप मक्खन या घी लगाइए और उसके बाद से गर्मा गर्म किसी सब्जी या फिर साग के साथ एंजॉय करिए। आप देखेंगे इन रोटियों का स्वाद जो है नॉर्मल रोटियों से कितना ज्यादा अलग आता है। कई बार बच्चों को आप इस तरीके से इसी आटे में नमक अजवाइन डालकर ऐसी गुदगुदी सी मोटी सी रोटियां बनाकर एकदम करारी से दे सकते हैं, जैसे कि गांव में बनती है। तवे पर अगर आप यही रोटी बनाएंगे तो सेम तरीके से नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ लोहे की कड़ाही में बनाइए। मैंने एक हलवाई से सीखी थी कि लोहे की कड़ाही का क्या फायदा होता है, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो बनी हुई रोटियां होती हैं वो करारी होती हैं, एक बार में 3-4 रोटियों को भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी सॉक्स को लेकर। कई बार सॉक्स के जोड़े इधर उधर बिछड़ जाते हैं, तो इनको अच्छे से अरेंज करके रखने के लिए सॉक्स को इस तरीके से प्लस में रख दीजिए। प्लस में रखने के बाद आपको सॉक्स को मोड़ना है। मोड़ने के लिए इस तरह से छोटी तह बनाइए और बस बीच में ले आइए। तो ये काम आपको चारों साइड से करना है और जो लास्ट वाला हिस्सा बचता है उसको इस तरह से टक कर दीजिए। अब हमारा सॉक्स का एक पेयर बनकर तैयार है। इसको बहुत अच्छे से आप अपनी अलमीरा में अरेंज कर सकते हैं। लहसुन को कई बार हम छीलते हैं। अब जैसे मैंने भी यहाँ पर लहसुन निकाले हैं, तो आपको पता ही होता है कि कई बार लहसुन छीलना बहुत ज्यादा झंझट का काम होता है, तो मतलब इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। अगर आपको किसी दिन लहसुन के तड़का की कोई सब्जी बनानी है तो अलग से कम 5 से 10 मिनट चाहिए होंगे लहसुन को छीलने के लिए। लहसुन छीलने के लिए एक छोटा सा उपाय करके देखती हूँ और आपको साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने लहसुन की कलियों को निकाल लिया। अब हमारे पास इस तरह के पॉलीथिन होते हैं, जैसे मेरे पास भी नूडल्स का एक पैकेट है। थोड़ा सा मोटा पॉलीथिन चाहिए, पतला वाला नहीं लेना है। मोटा पॉलीथिन लेंगे और इसमें अपने लहसुन की कलियों को डाल देंगे। अब हमारे पास घर में होते हैं बेलन। बेलन लेना है आपको और इस पॉलीथिन पर हल्के हल्के से चोट करनी है, यानी कि हल्के हल्के से ठक ठक करना है, जिससे कि लहसुन की जो कलियां हैं वो थोड़ी सी हल्की हल्की सी इनका छिलका फट जाए। उससे क्या होगा कि लहसुन को छीलना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने किया है, आप देखिए। अब हम लहसुन को निकाल लेते हैं। अब हम जैसे ही लहसुन के छिलके को इस तरह से निकालेंगे, आप देखिए लहसुन अलग और छिलका अलग, फटाफट से ये काम हो जाता है। मतलब इतनी कलियों को छीलने में मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता है। बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से लहसुन छील सकते हैं। अब जब हमने लहसुन छील लिया तो सब्जियों में कई बार पेस्ट की जरूरत पड़ती है, और थोड़ी सी लहसुन हम मिक्सी में तो कैसे पीसें। तो चलिए पेस्ट बनाने का तरीका भी शेयर कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये लहसुन छीले हैं, इनको वापस से मैं इसी पॉलीथिन में डालूंगी और उसके बाद से बेलन से ही आपको ये काम करना है। जैसे देखिए आपको पॉलीथिन में दिख रहा है मैंने लहसुन डाले हैं, उसके बाद से बेलन से आपको थोड़ा सा जोर से वार करना है। मतलब या तो आप बेलन से इस तरीके से बेल दीजिए जैसे मैं बता रही हूँ, या फिर इस तरीके से थोड़ा जोर जोर से मार दीजिए। इससे लहसुन का पेस्ट बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाता है। सेम प्रोसेस से आप लहसुन मतलब ढेर सारा पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, या फिर थोड़े से की जरूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लहसुन कितना बढ़िया से पेस्ट पीस कर तैयार हो गया, ऐसे लगता है जैसे हमने इसे मिक्सी में पीसा हो। तो मैं इसे स्पून की मदद से निकाल लेती हूँ और ये जो पॉलीथिन होता है ये बिल्कुल भी फटता नहीं है इस तरह से बेलन से करने पर। अगर हम पतला पॉलीथिन लेंगे तो उसके जो छोटे छोटे कण है, जो माइक्रो प्लास्टिक है, वो भी हमारे खाने में आएगा, लेकिन मोटे पॉलीथिन में ये समस्या नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लहसुन का पेस्ट जो है पीस कर तैयार कर सकते हैं। देखिए 1 चम्मच पेस्ट हमने कितना फटाफट से छील भी लिया और इसका पेस्ट भी बना लिया। तो मुझे तो यह है बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। एक और टिप देख लेते हैं इस तरह की छोटी बॉटल को लेकर।
जैसे इस स्लाइस की छोटी सी बोतल है, घर में पड़ी होती है, इसका आज हम यूज करेंगे। ये बोतल को सबसे पहले आपको कटर से या फिर गर्म नाइफ से बीच से इस तरीके से कट कर लेना है। छोटा सा बोतल होता है तो इसको कट करना भी बहुत आसान होता है। तो देखिए इस तरह से दो पार्ट में हम इसको काट लेंगे। अब इसके बाद से ये हो गए हमारे दो पार्ट। दो पार्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जैसे थोड़ा सा प्लास्टिक निकला हुआ है उसको मैं निकाल कर सही कर देती हूँ। अब इसके बाद से जैसे हमारे पास इस तरह के टी बैग्स पड़े हैं, तो मेरे पास ये पड़े होते हैं एक्स्ट्रा में, कई बार हम लोग इनसे चाय बनाकर पीते हैं, कई बार हम लोग नॉर्मल तरीके से चाय बनाकर पीते हैं, तो ये इधर उधर पड़े होते हैं, तो इनको हम यहाँ पर अरेंज करके रख सकते हैं। जब जरूरत हो इनको आप निकाल सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट जैसे ही आप बॉटल के अंदर डालेंगे तो बहुत इजीली ये फिट हो जाता है, और इस तरीके से आप कहीं इसको रख भी सकते हैं, या फिर आपका कोई भी सामान है, जरूरी नहीं है कि किचन में ही, आपके लिविंग रूम में, आपके ड्राइंग रूम में, ड्रेसिंग टेबल के पास इस तरह का कोई भी छोटा मोटा सामान है उसको आप अरेंज करके इस बॉटल में रख सकते हैं। जरूरत है तो ऊपर से खोलकर इस तरीके से बहुत इजी तरीके से, जैसे मैंने एक टी बैग निकाल लिया, ऐसे ही आप अपनी इयररिंग्स वगैरह अरेंज करके रख सकते हैं, कुछ भी मतलब बच्चों का पेंसिल वगैरह भी अरेंज करके इसमें रखा जा सकता है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए एक और टिप देखते हैं जो कि मेटल की चूड़ियों के साथ। मेटल की चूड़ी है मेरे पास, पुरानी थी, इसमें मैंने एक कट लगा दिया यानी कि इसको काट दिया। अब इसके बाद से इस तरह की कोई पुरानी रिबन हो आपके पास, कोई भी कलरफुल टेप हो, मतलब कुछ भी हो जिसमें आप चूड़ी को कवर कर सकते हो। रिबन नहीं है तो आपके पास अगर सूत की डोरी है, कोई धागा है सुंदर सा, उसको इस तरीके से रैप कर लीजिए। हमको पूरी चूड़ी को कवर करना है जिससे चूड़ी का जो नुकीलापन है वो हमारे हाथों में चुभे नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस रिबन को मैं पूरी चूड़ी पर लपेट लूंगी, और ये रिबन सफिशियंट है एक चूड़ी के हिसाब से, अच्छे से टाइट करके किया है। साइड में मैंने सेलो टेप लगा दिया है। यहाँ पर ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसको लेकर चलती हूँ मैं अपने बेडरूम में। बेडरूम में जैसे पर्दा लगा हुआ है, कर्टन होते हैं, कई बार हम सफाई वगैरह करते हैं लेकिन कर्टन जो है इस तरह से झूला हुआ पड़ा रहता है, तो कर्टन को समेटने के लिए आप इस चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैप करने का रीजन यही था कि अगर कोई इसको देख भी रहा है तो ये देखने में अच्छा लगे, तो इस तरह से आप चूड़ी को टाइट भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसको ढीला रखना है तो आप हल्का सा इसको खोल दीजिए, थोड़ा सा ढीला भी हो जाएगा, देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है। कई बार हम अपने विंडो वगैरह पे एक से ज्यादा पर्दे लगाकर रखते हैं, ऐसे टाइम पर भी ये छोटा सा हमारा जो चूड़ी का ऑर्गेनाइजर है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, देखने में भी सुंदर लगता है। पतला सा होता है, आप चाहे तो अपने पर्दे का मैचिंग का भी तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे डिफरेंट कलर का तैयार किया है। कैसी लगी ये टिप जरूर बताइएगा। एक और टिप देखते हैं जो कि गैस के बर्नर के साथ है। कई बार हमारे गैस का बर्नर ढंग से चलता नहीं है, साइड से आपने देखा होगा कि गैस निकलती है, क्योंकि बर्नर और जो हमारा गैस कुकटॉप है दोनों के बीच में आ जाता है गैस, जिस वजह से साइड से गैस की लीकेज की समस्या होती है और जो फ्लेम निकलती है वो एक्स्ट्रा निकलती है। ऐसे टाइम पर आप क्या करें, कोई सा भी नहाने वाला साबुन ले लीजिए, नहाने वाले साबुन को लेकर बर्नर के नीचे इस तरीके से अच्छे से लगा दीजिए। साबुन अगर गीला हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, गीले साबुन से भी आप रब कर सकते हैं। ये टिप मुझे गैस बनाने वाले ने बताई थी, जब वो हमारे घर आए बर्नर को सही करने तब उन्होंने बताया कि आप नीचे साबुन लगा दो तो जो स्पेस है वो फिल हो जाता है, और इस तरीके से बर्नर के नीचे से जो गैस निकलती है एक्स्ट्रा वो नहीं निकलती और आपका गैस जो है फालतू में खर्च नहीं होता है, तो इस तरह से आपकी गैस की भी वेस्टेज नहीं होती है। तो बस इस तरीके से अब बर्नर को आप गैस कुकटॉप पर फिट कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से बर्नर हमारा चलने लगेगा।